ठीक है भाभी, मैं कल ही आ जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत मुबारक हो मिकाल, भाभी मान गई। सच्ची? हाँ भाई, कल बुलाया उन्होंने मुझे। मैं तो मिठाई के साथ सब कुछ लेकर जाऊंगी और तुम्हारे निकाह की तारीख लेकर ही वापस आऊंगी। हैरानी हो रही है तुम्हें? यकीन तो कहीं ना कहीं था मॉम मुझे, मुमानी जान इतनी जल्दी मान जाएंगी, बस उसी पे हैरत हो रही है। भाभी को तो मानना ही था, वैसे भी वो कोई रिवायती सास थोड़ी है जो किसी भी बात को अपनी अना का मसला बना ले। उन्होंने बहुत समझदारी से जिंदगी गुजारी है और जिंदगी के जितने भी फैसले हैं बहुत समझदारी के साथ लिए हैं। बस निकाल, अब तुम भी ना हम सब की उम्मीदों पर पूरा उतरना। और हाँ देखो, नीनू इस घर में आएगी ना तो उसे तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तुम उसके इस रवैये से कहीं फेड अप नहीं हो जाना। आप बेफिक्र रहे मॉम, जितनी मुश्किलों से मैंने उसको पाया है ना, मैं कभी उसे फेड अप नहीं हो सकता। इंशाल्लाह सारी जिंदगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। पूरी जिंदगी अपनी उसके नाम कर चुका हूं, उसको जितना भी वक्त चाहिए वो ले सकती है एडजस्ट होने में, मुझे कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा हाँ सुनो, तुम ना रानिया को भी कॉल कर लेना, इस सब मामले में उसका बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स मॉम, कैसे भूल सकता हूँ मैं, और आपका भी। थैंक यू सो मच। ताला सब खैरियत से करवा दे अब बस। इंशाल्लाह। निकाल की शादी हो रही है? हाँ, नीनू से। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। नीनू राजी हो गई? हाँ, जाहिर सी बात है, नीनू की रजामंदी के बगैर तो शादी नहीं हो सकती ना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ नीनू के लिए। अच्छा रानिया, मैंने एक फैसला कर लिया, मैं वकार को अपनी रिपोर्ट्स का सच बता दूंगी। चलो अच्छा है, ये करके तुम अपने लिए अच्छा करो। मुझे अंदाजा हो गया कि बुराई के बदले में कभी भी अच्छाई नहीं मिल सकती। बस तुम भी अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लो। अब तक जो तुम कर चुकी हो उसके बाद मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं आया, और तुम पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी आपकी। तुम ठीक कह रही हो रानिया, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ और मैं वकार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे एक मौका दे दो। रही बात मौके की, तो ठीक है, अगर तुम ये सच्चाई वकार को जाकर बता देती हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम बदल गई।